Hey friends, good morning. So, आज संडे है, मैं आज सुबह से आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ. तो हर संडे को हम लोगों ने बाहर जाती हूँ, तो आज भी हम लोगों का प्लान है कि हम लोग बाहर जाऊँ, तो वही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो अब सुबह 8:30 बज गया है, तो अभी हम लोगों ने चना, कच्चे चना जो होता है, और एक दो आमंड ले ली. तो यही खाने को फिलहाल के लिए. तो नहा धो के पूजा पाठ करके फिर सुबह ब्रेकफास्ट बना के खा के फिर हम लोग निकल जाएंगे. तो कहाँ जाएंगे मैं बाद में बताती हूँ, फिलहाल के लिए मैं अभी रसोई पे जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ, ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ, ठीक है, बाय. तो गाइस मैं अभी नर्सरी पे आ गई हूँ. तो हम लोग आज पूरा दिन बाहर रहने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा हेवी फूड बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट के लिए. तो मैंने सोचा मेमोरी का जो भुना खिचड़ी होता है वही बना लूँगी, अन्नक को भी खिलाना है, हम दोनों भी खा के जाऊँगी. तो मैं भुना खिचड़ी के लिए आ जाओ इधर इधर में चॉप हुआ टमाटर और मिर्ची, और इधर में जिंजर गार्लिक और अनियन चॉप्ड ले ली, मसूर की जो दाल है वो मैं भिगो के पहले से ही रख दिया था, सेम क्वांटिटी ऑफ चावल और दाल में रख दी भिगो के. इसमें मैं गोटा जीरा डालती हूँ. जीरा पूरा पूरी कुक हो जाएगा, फिर मैं डालूंगी अनियन, जिंजर गार्लिक, फिर थोड़ा सा हल्का ब्राउनिश फ्राई कर लूँगी. तो जीरा अभी तक कुक नहीं हुआ, जीरा कुक होने तक मैं वेट करूँगी. इसमें क्या होगा ना, वो अनियन जब देंगी तब वो इधर नहीं आएगा. तो थोड़ा सा मैं जो गार्लिक जिंजर दे दूंगी इसमें. और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी इस टाइम. तो हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया, तो इसको थोड़ा पकाऊंगी मैं. आप
है ना, तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फोर छी छी। तो इस टाइम में मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, और थोड़ा सा घी डालने से ना ये और भी ज़्यादा टेस्ट बनने वाला है। करके पता चला तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताना, ठीक है? और चलो चलते हैं। तो हम लोग रेडी होके बाहर आ गई हूँ, तो चले देखते हैं मैं हम लोग कहाँ जा रही हूँ घूमने। तो चलो देखते हैं, चलो। Yeah.
प्लीज एक बार आना। मैं अभी बताना चाहती हूँ, हम लोग जा रही हूँ मालदेवता। ये तो सहस्त्र धारा रोड है और इसके ऊपर ये है, इसका रूट थोड़ा अलग है। तो इससे हम लोग ए रोड पे हम लोग जा रही है मालदेवता। तो हम लोग गाड़ी में है, दिखाओ। ये देखो आना, दिख रहा है आना, कितना मस्ती हो रहा है, बता दो सबको। हाय कर दो, हाय आदम, हाय कर दो, हाय। बहुत मस्ती हो रहा है, बहुत ये हम लोग आ गई हूँ मालदेवता। तो इधर का जो नज़ारा है कितना सुंदर है, क्या बताऊँ। आप लोग देहरादून में रहते हो पर देहरादून में घूमने के लिए आ रही हो तो ज़रूर मालदेवता एक बार घूम के जाना, ठीक है। हम लोग अब इंजॉय कर रही हूँ मालदेवता। वही कुछ वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, दिखाती भी हूँ। क्या बताओ, बोलो ना तुम कि जो हम लोग यहीं पे हूँ घूमने के लिए आई हूँ, तो आप लोगों को ये जो नज़ारा है ये भी दिखा देती हूँ एक बार। तो चलो नज़ारा देख लो, फिर मैं बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कितना सुंदर है ए प्लेस। प्लीज़ ज़रूर आना देहरादून में आने। ये मालदेवता है, दिख रहा है ना पीछे में कितना सुंदर ओ पानी वाटरफॉल्स हो रहा। क्या बताओ, व्यू देखो बहुत अच्छा है ना। तो नहाते भी है
तो इधर का पानी ठंडा है पर ठीक है, काफ़ी अच्छा है, बहुत मस्ती हो रहा। तो हम लोग अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाली हूँ, तो हमारे साथ रहे और वीडियो मस्ती करते रहना, वीडियो देखना और मस्ती करते रहना, ठीक है। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक बटन दबाना, कमेंट करना और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इतना अच्छा अच्छा वीडियो और भी डाल सकूँ अपने चैनल में। ये टाटा। प्लेस ही ऐसा है कि मस्ती करने का मन अपने आप हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जगह। और अन्ना भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मम्मा डांसी डांसी है ना मम्मी, गिर जाएगा बेटा सब। तो हम लोग अब यहाँ पे बैठी हूँ और थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे है, घर में कोई काम भी नहीं है, तो आप लोगों के साथ भी मैं गप्पे कर रही हूँ। और अन्नब खा भी रहा है, हम लोग भी खा रहे हूँ ना। तो हम लोग अब खाऊंगी ओरियो बिस्कुट ओरियो का। अन्नब के पापा तुम भी खा लो ना, खाओ। तो चीज
खाना खा के फिर रेस्ट ने लेके शाम को मिलती हूँ, ठीक है? तो बाय। तो फ्रेंड, दिन में आने के बाद मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाई क्योंकि उधर से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, हम लोग सब थक गए थे, तो इसलिए बात नहीं कर पाई। तो रात को मैं कुछ स्पेशल डिश बनाऊंगी, वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखते हैं रात में क्या बनाती हूँ। अर्णव पर उसके पापा मार्केट गया है कुछ सब्जी लेने के लिए, तो मैं उन लोगों के आने के बाद ही खाना बनाऊंगी। तो आज स्पेशल डिश बनाऊंगी, आज संडे है इसीलिए, तो वही आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो देखते रहना, ठीक है? सो मैं रसोई पे आ गई हूँ। तो मैंने आप लोगों को कहा कि जे आज रात को मैं कुछ स्पेशल डिश बनाऊंगी, तो मैं आज रात को चिकन कोसा बनाऊंगी बंगाली का। तो इसमें मैं थोड़ा विनीगर डाल के इसको वॉश करके रख दिया था। विनीगर से क्या होगा कि चिकन का जो स्मेल है वो थोड़ा कट जाएगा। और उसके बाद मैंने इधर पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मिला के मैरिनेशन करके रख दिया है। आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा अदरक ले लिया इसके मसाला, एक छोटा सा टमाटर डाल दूँगी और लहसुन भी, थोड़ा सा लहसुन भी ले लूँगी मसाले के लिए। और इसमें थोड़ा सा मतलब करीब 2 चम्मच जीरा, चार लाल मिर्च सूखा मिर्च ले ली। तो इससे क्या होगा ना, जो कौसा मांस होगा उसका कलर थोड़ा अच्छा होगा। तो यही मसाला मैं मिक्सी में ब्लेंड करके इसमें डाल दूँगी मैरिनेशन के लिए। तो चलो मैं इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है? और इधर पे मैं अनियन रख दिया है, बारीक काटा हुआ अनियन। थोड़ा सा मैं अनियन इधर पे रख दिया क्योंकि ये मैं फ्राइड करके जब कसा चिकन बन जाएगा उसके बाद उसके ऊपर से मैं दे दूंगी ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ठीक है? तो ये मैं रख दिया हूँ अलग से। तो गाइस, मेरा मसाला जो है वो मैं पूरा फाइन ब्लेंड कर लिया हूँ। ये पेस्ट मैं अभी डालूँगी मैरिनेशन करने के लिए, पूरा डालूँगी। तो मैं पूरा जो मसाला है इसमें डाल दिया हूँ, तो इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी, मैरिनेट मखा लूँगी। तो इसके बाद मैं इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन करके रख दूँगी ताकि ये जो चिकन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। मस्टर्ड
मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल इधर पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी, जो चिकन मस्टर्ड ऑयल इधर पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी ताकि जो चिकन है वो थोड़ा अच्छे से फ्राइड हो जाए, नहीं तो वो खाने में टेस्ट नहीं बनेगा। ऑयल में डाल दूँगी, मेरा जो मस्टर्ड ऑयल है वो पूरी तरह से गर्म हो गया, तो आप लोगों के मैं दिखा रही हूँ गर्म हो गया पूरी तरह से, तो इसमें मैं अब डालूँगी अनियन, इसको मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं उठा के रख दूँगी ताकि जो चिकन मेरा जो कसा बन जाएगा उसके बाद ये मैं ऊपर से दे दूँगी, तो वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसके बाद मेरा फ्राइड अनियन बनके, मेरा फ्राइड अनियन तैयार है, इसको मैं रख देती हूँ ऐसे, तो मैं अब आलू को फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, आलू फ्राई कर लूँगी, आलू को फ्राई कर लूँगी, आलू फ्राई करते टाइम में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि आलू का जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, आलू का जो टेस्ट है अच्छा बनेगा, अच्छा होगा। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि ये जो आलू है ना उसका टेस्ट भी अच्छा हो, अच्छा बने। तो मैं इसको फ्राई तक मैं आलू को भी फ्राई करके रख दिया है। इस टाइम पे मैं जो ऑयल है उसमें मैं थोड़ा सा गोटा जो जीरा है वो डाल दूँगी थोड़ा सा और नहीं, तो इसको मैं पकाऊँगी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद मैं चिकन जो है मैरिनेट करके मैं रख दिया था तो वही इसमें दे दूँगी। मैं एक एक करके डालूँगी नहीं तो इधर पे भी आ सकता है। मैं एक एक और मैं डाल दिया पूरा चिकन को, तो इसको मैं अब कुक करूँगी। चिकन का जब कुक होके जब ऑयल छोड़ देगा तब सोच लेना कि चिकन ऑलरेडी, चिकन का जो मसाला है वो कुक हो गया। अभी तक देखो पानी है ना, ये जो पानी सूख के पूरा ऑयल छोड़ने लगेगा तो
घर में जो आप देख रहे हो ना पानी पानी है, तो ये जो चिकन का जो पानी है सूख जाएगा, उसके बाद मसाला कुक होकर जो ऑयल छोड़ने लगेगा तब सोच लेना कि चिकन कौशा हो गया है। फिर उसके बाद मैं दूसरे जो प्रोसेस है वो दिखाऊंगी। इसमें थोड़ा सा रह गया है अनियन, वो भी मैं डाल देती हूँ। मैं अब 10 से 20 मिनट तक कुक करूंगी, ऐसे ऐसे नाटते ही रहूंगी, नहीं तो वह नीचे से लग सकते हैं और नीचे से लग जाएगा तो इसका जो पूरा टेस्ट है पूरा टेस्ट ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ऐसे करके कुक करूंगी। ठीक है, तो देखते रहना। इसका जो पानी है ये ऑलरेडी सूख गया है, फिर भी इसको पकाते जाना है जब तक मैं ये मसाला कुक होके ब्राउन ब्राउन टाइप ना बन जाए। तो इसका जो पानी है तो पूरा पूरा सूख गया है और इसको कुक करके जाना है जब तक मैं ये जो मसाला है ना ये पूरा कुक होके ब्राउन ब्राउन ना दिखे। ठीक है, तो इसके मैं उसका कुक करूँगी, नहीं तो वो टेस्टी नहीं बनेगा, कच्चा रह जाएगा मसाला। मसाला को पूरा कुक करना है। मैं आलू को भी डाल दिया है, नहीं तो ये नहीं गलेगा, तो इसीलिए मैं आलू को डाल दी आलू को। इसको मैं अब कुक करूँगी और भी 5-10 मिनट तक। ठीक है, इसका जो मसाला है पूरा कुक हो गया, आप देख सकते हो थोड़ा ब्राउन ब्राउन टाइप आ गया है। तो इसके अंदर से अब ऑयल भी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा कुक हो गया है, पूरा मतलब आधा कुक हुआ है। इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी दे दूँगी ताकि ये पूरा जो है ये बॉईल हो जाए। तो मैं अब इसको जो मसाला है कुक हो गया है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी दे दूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि मैं घर पे कशा बना रही हूँ। बॉयल इतना पानी दूंगी ताकि ये बॉयल्ड हो जाए, ज़्यादा पानी मैं इसमें नहीं डालूंगी। इसका कलर देखना कितना सुंदर आया है इसका कलर, और जो मैं सूखा मिर्ची डाला है ना इसीलिए इसका कलर इतना रेड रेड आया। तो इसको मैं अब छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये 10 मिनट के अंदर पूरा बॉयल हो जाएगा। ये मेरा जो चिकन कसा है वो रेडी हो गया है, दिखा देती हूँ एक बार। इसका पानी जो है पूरा सूख जाएगा, तो बहुत अच्छा बनता है, ऐसे करके बनाना प्लीज़। तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत सिंपल रेसिपी है, पर इतना टेस्टी होता है क्या बताओ। प्लीज़ एक बार ट्राई करना सबको, और ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा जो चिकन है सब बॉयल्ड भी हो गया है, आलू भी बॉयल्ड हो गया, चिकन भी बॉयल्ड हो गया। तो इस टाइम पे मैं जो अनियन को फ्राइड करके रख दिया था ना उसको मैं ऊपर से ऐसे करके दे दूँगी ताकि ये और भी टेस्टी बने। तो
मेरा जो चिकन कशा है वो रेडी है, दिखने में बहुत अच्छा लग रही है ना। ओह सॉरी दिखाती हूँ, ओह सॉरी सॉरी दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो इसके ऊपर और इस और एक चीज़ देना बाकी है, तो मैं दिखाती हूँ और एक। तो ऊपर से मैं ये जब रेडी हो जाएगा ना, तो ऊपर से मैं थोड़ी सी इसके ऊपर घी डाल दूँगी, ताकि ये तो और भी टेस्टी बने। और थोड़ी सी डाल दूँगी, करीब एक चम्मच। और भी टेस्टी बनेगा सच में। तो इसके बाद मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, इसके बाद मैं डालूँगी गरम मसाला का जो पाउडर है थोड़ा सा मैं डालूँगी, और थोड़ा सा, बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर ट्राई करना ठीक है। तो मेरा जो चिकन करी है वो रेडी है, कितना सुंदर लग रही है ऊपर से देखो। तो गाइस कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मेरा जो खाना है वो रेडी हो गया है, ये प्लीज़ ऐसे करके बनाना, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो फ्रेंड्स मेरा खाना रेडी हो गया है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, सही रहिए, और बी हैप्पी। गुड नाइट, बाय।